सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री फायर के फ्रिज प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ फ्री फायर के फ्रिज प्रॉब्लम के बारे में। अक्सर आप फ्री फायर खेलते रहते हो तो अचानक से आपका फ्री फायर रुक जाता है, मतलब कि एक तरीके से फ्री फायर जम जाता है, रुक जाता है। आप कुछ भी, मतलब कोई भी बटन टैप करते हो तो वहाँ पर काम ही नहीं करता। तो ये जो फ्री फायर है, बार बार रुक क्यों जाता है, फ्रिज क्यों हो जाता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर गाइस आप भी फ्री फायर के फ्रिज प्रॉब्लम से परेशान हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नया आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो लेट्स भाई लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बार बार फ्री फायर फ्रिज क्यों हो जाता है। क्या आपके फ़ोन के प्रॉब्लम की वजह से होता है या फिर फ्री फायर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? तो देखिए, ये किसी भी ऐसे ऑल डिवाइस में होने की कोई संभावना नहीं है। ये किसी किसी फ़ोन में होता है और अक्सर ये वही फ़ोन में होता है जो लो डिवाइस का होता है, जिसमें रैम कम होता है एंड स्टोरेज पूरा भरा हुआ तो है। तो अगर इस आप भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हो अपने फ़ोन पर, या फिर अपने फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है उसको पूरा भर कर रखते हो, तो वैसे में यह प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ सकता है। एंड गाइस, अगर बात करें फ्री फायर का, तो फ्री फायर में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग परफॉर्मेंस देता है, मतलब कि अगर सस्ते फोन में खेलोगे तो उतना अच्छा नहीं चलता, लेकिन महंगे फोन में खेलोगे तो अच्छा चलता है। तो ये फ्री फायर की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके फोन की प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि स्टोरेज खाली करना पड़ेगा एंड रैम को पूरा खाली करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन फालतू है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बस इतना ही सॉल्यूशन नहीं आएगा इस, क्योंकि इतने का सॉल्व करने के बाद, मतलब कि आप स्टोरेज पूरा खाली कर भी लेते हो एंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर भी लेते हो, तब भी कहीं से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्योंकि थोड़ा अलग ही प्रॉब्लम है। तो अभी कहीं हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले तो जो भी एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करो एंड अपने फोन का जो भी स्टोरेज है, मतलब कि आप गाना वगैरह बहुत ज्यादा सुनते हैं तो गाना डाउनलोड कर रखे हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से गाना सुनो, ऑफलाइन उसको डाउनलोड करके मत रखो। जो भी इंटरनल स्टोरेज में पूरा भर कर रखे हो फाइल्स उसको डिलीट करो, जो भी मूवीज रखे उसको डिलीट करो, मतलब पूरा डिलीट करो एंड फोन के इंटरनल स्टोरेज को पूरा खाली कर दो। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद इसमें आपको फ्री फायर का कुछ सेटिंग बता रहा हूं। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखिए यार, अभी आपको बता रहा हूं फ्री फायर में आपको क्या क्या सेटिंग करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आप फ्री फायर लो डिवाइस पर खेल रहे हो तो गाइस आप कभी भी फ्री फायर को हाई ग्राफिक्स में मत खेलना। जी हाँ गाइस, काफी सारे बंदे यही गलती करते हैं, 2GB रैम और 3GB रैम में भी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स और अल्ट्रा ग्राफिक्स में चलाते हैं। तो यार कभी भी अल्ट्रा या स्टैंडर्ड में मत चलाना अगर सस्ते फोन पर खेलते हो तो, हमेशा स्मूथ ग्राफिक्स में चलाना। स्मूथ सबसे ज्यादा चलता है, मतलब कि ज्यादा तो फ्री फायर लो डिवाइस पर ही खेला जाता है, तो गाइस स्मूथ ग्राफिक्स पर ही खेलो। एंड यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो भी एक्सपेंशन पैक होता है 200 से 300 MB एंड जो मैप होता है फ्री फायर में, तो काफी सारे बंदे उसको पूरा डाउनलोड करके रखते हैं, मतलब पूरा डाउनलोड करके रखते हैं एंड सोचते हैं कि उससे हमारा गेम प्ले इंप्रूव होगा, ज्यादा हेडशॉट लगेगा। तो देखो यार, उसको बिल्कुल भी डाउनलोड मत करना, उससे जो फ्री फायर का लैग है ना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको हमेशा बंद करके रखो, पूरा डिलीट कर दो एक्सपेंशन पैक को एंड जो भी आपका बंडल है जो पहनते हो बस उतना का डाउनलोड करो, उसमें गाइस आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यार एक्सपेंशन पैक को कभी भी डाउनलोड मत करना, मैं भी डाउनलोड करके नहीं खेलता, तो इसको डिलीट कर दो। अब बात करते हैं गाइस हमारे फोन के सेटिंग के बारे में। ये हो गया हमारा फ्री फायर का सेटिंग। तो गाइस हमारे फोन की सेटिंग में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम रहते हैं जिसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे फ्री फायर का फ्रिज प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको चले जाए अपने फोन के डिफॉल्ट सेटिंग पर एंड यहाँ पर आपको ढूंढना है डेवलपर ऑप्शन। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपका फोन बहुत ज्यादा पुराना है, अभी का लेटेस्ट फोन नहीं है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको अपने फोन में अबाउट फोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेटिंग में ही रहता है अबाउट फोन, उसमें आपको सिंपल से चले जाना है एंड वहां पर मिल जाएगा बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर को सिंपल से 2 से 3 बार टैप करना, वहां पर जो डेवलपर ऑप्शन, तो वहां पर डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा आपके फोन में, आपके फोन में सेटिंग में आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन। अगर ऐसे में भी नहीं मिल रहा है तो फोन में सेटिंग में सर्च का ऑप्शन रहता है, वहां पर जाकर सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है एंड यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये वाला जो विंडोज एनिमेशन स्केल रहेगा ना, इसको सबसे पहले ऑफ कर लेना। इसको ऑफ करने का फायदा यही है, अगर आप बहुत ज्यादा लो डिवाइस में खेलते हो ना, तो इसको ऑफ करने से आपका फोन का स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब एनिमेशन, मतलब कि जैसे आप किसी एप्लीकेशन को टैप करते हो तो वहाँ पर थोड़ा स्टाइल से स्टार्ट होता है, मतलब कि बीच स्क्रीन से ऐसे ऊपर टाइप का आता है या फिर थोड़ा स्टाइल से स्टार्ट होता है, तो वो बंद हो जाएगा जो स्टाइल, मतलब एनिमेशन होता है वो, एंड डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो इससे कैसे आपका चार्जिंग भी बचेगा एंड फोन का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा, और इससे काफी हद तक आपका जो फ्री फायर फ्रिज प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। एंड आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस वाला, अगर आपके फोन में सेटिंग है तभी इसको इनेबल करना, अगर ऐसा नहीं है तो इसको कुछ मत करना। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस, तो इसको कैसे आप ये वाला सेटिंग में रख देना, नो में रख लेना, मतलब कि आप बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन को चलाना नहीं चाहते। जैसे कि आप फ्री फायर को चलाओगे उसके बाद किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो फ्री फायर फिर से स्टार्ट होने लगता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होते रहता है तो वो बंद रहता है। तो इसको अगर आप ऑफ करते हो तो बैकग्राउंड में कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा, मतलब कि
फ्री फायर में बार बार रिस्टार्ट का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो देखो यार, एक अगर एप्लीकेशन को लगातार चला रहा हो तो बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा, तो इससे फ्री फायर ज़्यादा अच्छे से चलेगा, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं चलेगा। अगर बैकग्राउंड में भी चलाना चाहते हो, मतलब फिर से किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन किए, फ्री फायर चलाते साथ साथ व्हाट्सअप को ओपन किए, तो ऐसे में गाइस और भी ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी, मतलब और भी फोन अगर सस्ता है तो दिक्कत होगी। तो यार वैसे में सभी को ऑफ करके रखो, सिर्फ फ्री फायर बस चलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको नो में कर देना है, ताकि गाइस कोई भी एप्लीकेशन चल रहा है तो सिर्फ एक ही चले, बैकग्राउंड में कुछ भी ना चले। तो इसलिए गाइस आपको बता रहा हूँ, ये सभी सेटिंग को कर लेना। अगर इसके बाद भी फ्री फायर में फ्रीज प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको फ्री फायर को क्लियर डाटा करना एंड गाइस उसके बाद फ्री फायर पूरा एक तरीके से पूरा साफ हो जाएगा। क्योंकि यार कभी कभी लगातार खेलते रहते हैं तो वहां पर कैचेस जमा हो जाता है, बहुत सारे डाटे भर जाते हैं, तो इसलिए फ्री फायर को क्लियर डाटा करना जरूरी है। अगर आप अभी क्लियर डाटा कर रहे हो तो कर लो, देख लो। तो यार अभी आपको बता रहा हूँ, वीडियो पूरा पसंद आ गया होगा, अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सो लेट्स गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।